प्रयागराज के संगम तट पर लगे बाघ मेले में सात समुंदर पार से आए विदेशी सैलानी भारतीय योग विद्या का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन विदेशी सैलानियों की टोली क्रिया योग आश्रम के शिविर से रोजाना क्रिया योग की पाठशाला में हिस्सा लेते हैं। मेले में आए तीर्थयात्रियों के सामने अपनी योग साधना का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को इसके फायदे गिराते हुए उन्हें रोजाना योग करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। वहीं क्रिया योगा आश्रम के संस्थापक योगी सत्यम महाराज श्रद्धालु को प्रिय योग का अभ्यास कराते हैं। शिविर में एक तरफ जहां पर देश दुनिया के लोग का संगम देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा भी मिला जिसने क्रिया योग के अभ्यास से कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दे डाली। कहते हैं कि हमारे गुरु जी जो हैं वह हमको मंदिर में मिले, हमको पूरा था, बोले कि चलिए हम वहाँ पर इलाज करेंगे। हम आश्रम में आए, गुरु महाराज जो हैं अपने से पहले चिकित्सा किए, खाना पीना खिलाए, उनके बाद जो है स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में जा कर के इनका जांच करवाए। जांच के बाद जो है पहले कैंसर था, लेकिन जब गुरु महाराज के आज्ञा से हम चले, खाना पीना खाए, क्रिया योग किए, तो बाद में कैंसर नहीं निकला। अब आप खुश हैं? बहुत खुश हैं हम गुरु महाराज के शुक्र। क्या और लोगों से अपील करेंगे कि वो भी क्रिया योग? हाँ, और लोग से अपील करेंगे हम, पूरे देश के लोग से, कि गुरु महाराज के शरण में आकर के क्रिया योग करें। क्रिया योग प्रारंभ हुआ, ये कैंप 1987 से लगता है। इस कैंप में विश्व के सभी राष्ट्रों के लोग हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, यूरोप के हैं, सिंगापुर के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपके नेपाल के हैं, इसमें अपने इस भारत देश के सभी प्रदेशों से हैं, ब्राज़ील से हैं, और ये सब इतने लोग इकट्ठा होते हैं। ये स्वतः आते हैं। कभी ये स्वतः कैसे आते हैं? अब देखिए, साइबेरियन एक पक्षी है, अपने आप आते हैं हर साल, क्या उसको निमंत्रण थोड़ी जाता है? ऐसे जो लोग थोड़ा विकसित हो गए हैं, एक सुमन यादव जी मिले, वो बिहार के थे, उनके गाल में एक फोड़ा था, वहाँ से पीप और मवाद आ रही थी, तो वो सिंगल है, अविवाहित है, हमारे साथ चले आश्रम में, हम उनकी जाँच वाँच कराए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाए, पूरा एंटीबायोटिक्स दी गई, तो ठीक नहीं हो रहा था, तो बायोप्सी हुई तो कैंसर निकला। फिर क्या करें, जानते हैं गाल का कैंसर, मुँह का कैंसर, थोड़ा थोड़ा कटते कटते जीभ तक कट जाती है। आदमी कितना भी कीमोथेरेपी ले, रेडिएशन ले, 4-5 साल रहेगा अधिकतम। हमें सीन याद आई, एक ओहायो में थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको ही कैंसर हुआ था, धीरे धीरे उनका पूरा कट गया, अंत में बेडिडन हो गए। तो क्रिया ध्यान उन्होंने किया था रिचार्जिंग वेबसाइट से देख करके, फिर चलने लगे थे, हम सोचे ठीक हो जाएंगे, लेकिन पूरा अभ्यास किए नहीं हो, आए नहीं हो, जितना ठीक हुए थे सुप्रिक गया, फिर मर गए। तो सुमन बारे में याद आने लगी हमें, हम उनको खूब ध्यान करा, आपको दिमाग से हटा दीजिए, मैंने कहा डायग्नोसिस गलत है, हम तो विश्वास करते थे कहीं गुरु जी कह रहे हैं तो सब गलत होगा, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। तो एक बार निर्भय कर दिया उनको, भयरहित हो गए, उनको क्रिया के सिद्धांत के साथ खाना पीना दिया, तो खूब अभ्यास कराया 4-4 घंटे पर, 3-3 घंटे पर, 2 महीने तक। देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में एक अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है जो संगम तट पर है। हम मौजूद हैं क्रिया योग आश्रम के शिविर में। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, हालांकि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर क्रिया योग का जो अभ्यास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम इस शिविर की बात करें तो बीते कई सालों से ये शिविर यहाँ पर लगता है और चाहे जिस भी धर्म के आप हों वो लोग यहाँ पर आते हैं और क्रिया योग का जो अभ्यास है वो करते हैं। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, विदेश के आए हैं। खास बात यह है कि एक ऐसा भी व्यक्ति आया है जिसको कैंसर जैसी एक बीमारी थी और उसको भी क्रिया योग करने से वो बीमारी जो है वो दूर हुई है और वो काफी आभार भी व्यक्त कर रहा है। आप देखते हैं ठीक हमारे सामने यहाँ पर सुमन यादव जी बैठे हैं जो हर रोज कई महीनों से यहाँ पर आते हैं और क्रिया योग का जो अभ्यास है वो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी यहाँ पर रहते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया योग आश्रम के जो संस्थापक हैं वो भी यहाँ पर
सबको संबोधित कर रहे हैं कि आखिर क्रिया योग का महत्व आज के दौर में क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अनोखा जो संगम है वो अब देखा जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो देश के और विदेश के कोने कोने से आए हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद क्रिया योग का जो अभ्यास है वो कर रहे हैं। संयुक्त बाजार के साथ सैयद आखिर लाइव टूडे प्रयागराज।